आज सीखना है गैर, है ना। और जो न्यू बिगिनर्स होते हैं गैर भूल जाते हैं, तो आज एक इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, कभी जिंदगी में गैर भूलेंगे नहीं। गैर लगा के भूल जाते हैं कि कौन सा गैर लगा हुआ, कौन सा लगाना हुआ, तो ये सारी चीज़ आज की वीडियो में हम बताएंगे। आज है पार्ट 17, है ना। 17 में हम गैर कैसे लगाना सीखेंगे। तो आप लोग आइए, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज है मैम का सेकेंड डे, तो सेकेंड डे में आज सीखने वाले हम गैर। खासकर ये गैर बहुत अच्छी ट्रिक में बताऊँगा आज की वीडियो में। और जब कोई भी नए बिगिनर्स होते हैं गैर भूल जाते हैं, कैसे लगाना है, कि गियर कभी भी क्रॉसिंग में लगाते हैं जिससे गियर बॉक्स भी ख़राब हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी गाड़ी का जो गियर है ना लाइफ टाइम बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे न्यू वीडियो की अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। स्टार्ट। गियर लीवर और गियर हमेशा क्लच को फुल प्रेस करके लगाया जाता है। क्लच को पूरा दबाओ, ये थोड़ा सीट को राई करो, ये बस बस ठीक है, हो गया। अब क्लच पूरा प्रेस करो, देखो जी प्रेस हो गया। अब देखो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है गाड़ी का पैटर्न। अगर ये पैटर्न याद कर लिया ना, कभी ज़िंदगी में गैर प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कभी क्रॉस में अटकेंगे नहीं, गैर हार्ड नहीं लगेंगे, शिफ्ट करने में बहुत इजी रहेगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट थर्ड लगा लेते हैं, थर्ड फर्स्ट लगाने लगते हैं, डायरेक्ट सेकेंड लगा देते हैं, फोर्थ लगा देते हैं, जिससे गैर में प्रॉब्लम आने लगती है, गैर में गैपिंग आने लगती है, गैर बॉक्स खराब होने लगता है, क्लच प्लेट में फ़र्क पड़ता है और गियर भी हार्ड लगते हैं। ठीक है, तो क्लच को पूरा प्रेस करो, एक इंच भी छूटा रहेगा तब भी गियर हार्ड लगेंगे। ठीक है, अभी सेंटर पे हम कैसे पता करेंगे हमारा कार सेंटर पे या न्यूट्रल पे है, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से यहाँ फ्री रहेगा। अगर ये गियर में रहेगा ना, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा, देखो बिल्कुल नहीं जा रहा ना, तो सेंटर में रहेगा। सेंटर पर इसकी स्टिक भी सीधी रहेगी, यहाँ से यहाँ फ्री रहेगा, देखो यहाँ से यहाँ, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। लेफ्ट वाले पैर से क्लच दबाओ, राइट वाले वो लग रहा है हार्ड, हाँ, थोड़ा सा प्रेस करके रखो, आदत डालो उसकी, है ना ये, हाँ ये ठीक है। अब सेंटर पे हैं जिसे बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल गियर पे है। अब देखो फर्स्ट गियर लगाने के लिए हमें पहले लेफ्ट के लिए आना है, फिर आगे जाना है। ट्रायंगल बना हुआ देखो यहाँ, लेफ्ट और आगे, लेफ्ट किया फिर आगे फर्स्ट गियर, ठीक है। अब सेकेंड गियर के लिए बहुत से क्या करते हैं, पहले न्यूट्रल लगा देते हैं, तो ये यहाँ से आने में कितना टाइम बर्बाद होता है, तो सबसे डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट दिया गया, लेकिन लेफ्ट पुश करते हुए अगर ढीले हाथ से आओगे तो ये न्यूट्रल पहुंच जाएगा, ये फोर्थ लग जाएगा, तो ये फर्स्ट गियर फिर लेफ्ट धक्का देते हुए ये मेरी तरफ सेकंड गियर, ठीक है। अब थर्ड गियर के लिए सेकंड से थर्ड गियर लगाना है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लगाने लगते हैं, स्लिप होकर चला जाएगा, ये गलत है, इसमें गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होगी और गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होगी और गियर बॉक्स खराब होगा, गियर बॉक्स में गैपिंग बनेगी, है ना। तो क्या करना है, यहीं से थोड़ा सा लेफ्ट धक्का दो, थोड़ा सा हल्का सा हाफ ऊपर करना है, यो किया और छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक सेंटर पहुंचा, सीधे आगे थर्ड गियर, फोर्थ के लिए भी न्यूट्रल छोड़ा, ये फोर्थ गियर, फिफ्थ के लिए भी न्यूट्रल किया फिर उधर खींचा, ये आया सीधे फिफ्थ गियर, फिर वापस न्यूट्रल लाना है, रिवर्स लगाना है तो उधर ही किया, ये रिवर्स गियर, फिफ्थ से डायरेक्ट रिवर्स कभी नहीं आता। इस तरीके से इस पैटर्न में अगर गियर लगाना सीख जाएंगे ना, कभी जिंदगी में गियर गल नहीं जाएंगे, ठीक है। क्लच पूरा प्रेस करो, लाओ फर्स्ट गियर, हाँ लेफ्ट लेके आगे फर्स्ट, ये वेरी गुड, सेकंड मेरी तरफ डायरेक्ट, वेरी गुड, थर्ड गियर के लिए न्यूट्रल करो बीच में, छोड़ दो, छोड़ दो और सीधा आगे थर्ड गियर, वेरी गुड, फोर्थ गियर बीच में छोड़ो और पीछे फोर्थ गियर, आ गया एक बार में समझ में। फिफ्थ गियर लगाना तो न्यूट्रल उधर किया, आगे फिफ्थ गियर, फिर न्यूट्रल करना है, रिवर्स लगाना है तो ये, फिर न्यूट्रल करो, ये लाओ फर्स्ट गियर, फिर से सेकंड गियर, नहीं नहीं हाँ फिर से फर्स्ट गियर लगाओ, सेकंड गियर, हाँ थर्ड गियर, हाँ आराम से फोर्थ गियर बीच में छोड़ कर प्यार से लगाना है, ये अब सेकंड गियर लगाना तो न्यूट्रल लेफ्ट पीछे, वेरी गुड, थर्ड गियर लगाना तो, हाँ फोर्थ गियर लगाना तो, हाँ सेकंड गियर लगाना तो, थर्ड गियर लगाना तो, न्यूट्रल करना तो, ये ठीक है समझ में गैर, ठीक है। ऐसे गैर लगाना, इस पैटर्न को अच्छी तरह से याद करना, अगर ये पैटर्न याद कर लिया तो गैर लगाना बहुत इजी है, ठीक है। गैर का पूरा पैटर्न समझ में आया, गैर हमेशा सामने देख के लगाना होता है, ठीक है। तो गाइस आज का जो सेशन है, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेके। जय जय।